सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला बिजनौर से, जहां पर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तस्करी के जुर्म में। जी हां, स्मगलिंग के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है। और तस्करी भी एक ऐसे जीव की जो कि विलुप्त माना जाता है, वन्य जीव की तस्करी में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेंगोलिन नामक एक वन्य जीव जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, विलुप्त होने के कगार पर है, उसको नगीना पुलिस टीम और बिजनौर स्वैट टीम ने मिलकर एक 15 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पेंगोलिन नामक विलुप्त जीव पाया गया है। और उनसे जब पूछताछ की गई, उनमें 15 लोगों में से एक व्यक्ति बिहार से एसटीएफ का एक सिपाही भी है, और ये लोग इस जीव को बेचकर अन्य देशों में तस्करी करते हैं। जी हां, खासकर चीन में, थाईलैंड में, सिंगापुर में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और करोड़ों रुपए मिलते हैं इसको बेचने पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर है बिजनौर से, और दिखाते हैं आपको इस पर क्या कहना है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह का। बिजनौर जनपद के नगीना देहात पुलिस एवं स्वाट पुलिस ने एक प्रतिबंधित वन्य जीव पेंगुलिन को पकड़ा है। इसके साथ में 15 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन 15 तस्कर में से बिहार और हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। एक इसमें से एसटीएफ का सिपाही बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है, एक महीने छुट्टी पर था, वो भी इस गैंग में शामिल था। तस्करी करते हैं, तस्करी की कीमत जब विदेश में भेजते हैं तो बताते हैं 3 से 4 करोड़ तक रुपए में इसकी तस्करी होती है। ये लुप्त प्रजाति है, लुप्त होने के कगार पर है। इसकी लोग अनेक उद्देश्यों से तस्करी करते हैं। डीएफओ एवं यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और उसके लिए डीएफओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला बिजनौर से, जहां पर 15 स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है विलुप्त वन्य जीव के साथ। पेंगोलिन नामक वन्य जीव इनके पास से पाया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज।